किया गया है। कितने लोगों को इस मामले में हिरासत किया गया आप लोग कार्यकर्ता? आप प्लीज, हम अब मेरे पास अभी टाइम नहीं है, हमें और जगह क्या है। निष्पक्ष चुनाव हो रहा है कि मैडम क्या हो निष्पक्ष? अभी अभी कितना टाइम हो रहा है? कितना टाइम अभी? मैंने डीआईजी मानू महाराज, डीएम अविनाश जी से सवेरे से फोन पे बात की हूँ, उनके मोबाइल पे मैंने मैसेज भी किया है कि मल्टी हजारों से बूथ पर गलत वातावरण बनाए जा रहे हैं, फॉरवर्ड जो है वो बैकवर्ड को होने ही नहीं दे रहा है वोट, उन्हें साफ एक इतना गलत वातावरण बनाते हुए। और मैंने अभी एक और मीडिया को शायद दिया है अपने स्टेटमेंट, चुनाव आयोग से भी गुजारिश करी है, हाथ जोड़ के मैंने विनती करी है कि देश का भविष्य साथ में ये आवाम को के साथ जो गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसको उस पर संज्ञान में लिया जाए, क्योंकि प्रशासन जो है 90% प्रशासन बिकी हुई लग रही है वो सारे एकदम से, और प्रेशर में है। जो नए बिकी हुई है वो काफी प्रेशर में है, काफी प्रेशर में है। मैं बता रही हूँ ना, ये जो होल है चुनाव क्षेत्र का, जो प्रशासन है या तो बिकी हुई है या तो प्रेशर में काम कर रही है, इसलिए निष्पक्ष कुछ नहीं हो रहा है मुझे दिख रहा। प्लीज देखिए, अभी मैं क्षेत्र निकली थी यहाँ मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का, यहाँ 13 मई को आप जान रहे हैं जैसा कि चुनाव हो रहा है। सवेरे से मतलब मैं क्या क्या बताऊं, ये तो हम वोटिंग एजेंट को बैठने नहीं दे दिया जा रहा है, उसके की तेरा ये नहीं है वो नहीं है ऐसा है वैसा है, बहुत तरह से पोलिंग एजेंट को है ना, पोलिंग एजेंट, उसके बाद महिलाओं तक से छेड़छाड़ कर किए जा रही है, जो जहाँ पे मैक्सिमम वोट मुसलमानों का, मैक्सिमम अल्पसंख्यकों का, मैक्सिमम वोट जहाँ पिछड़ों वर्गों का है, अति पिछड़ों का है, वहाँ सीधा कि चल भाग यहाँ से, तेरे को वोट नहीं देके जरूरत है तो निकल यहाँ से। और अभी अभी खबर ये भी आ रही है और कि महिलाओं का औरों के साथ उसके मोबाइल छीन ले रहे हैं और बहुत मार मारा भी है, और कार्यकर्ताओं के साथ छेड़खानी मार मार के, और बिना बेवजह का कई कार्यकर्ता को घर से उठा के बंद किया गया है इस तरह से। और अभी अभी पता चला है पिपड़िया ये सब में को ना यो थंपिंग हो रहा है, अंदर घुस के, खुले आम अंदर घुस के गलत तरीके से वोटिंग कर रहा है। तो मैडम ये बताइए कि जो अभी